दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर DSSSB को लेकर बच्चों में गहरे मतभेद हैं। कई बच्चे इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बोर्ड जो है सही से काम नहीं कर रहा है, उनके रिजल्ट सही से दिखा नहीं रहा है। बच्चों ये भी कहना है कि दिल्ली में जो आने वाली वैकेंसीज है 10,591, उसके अंदर DSSSB ने अभी तक जो कुछ कारनामे किए हैं वो ना करे और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल ना हो, वन डे वन शिफ्ट हो, ऐसी मांग बच्चों की हमारे पास आ रही है। दूसरी मांग ये है कि DSSSB को उन कैंडिडेट्स की एज बढ़ानी होगी जो कि ओवर एज हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ मैं बात करूँगा डॉक्टर अशोक अग्रवाल सर से, जिन्होंने कि कंटेम्प्ट केस फाइल कर रखा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। साथ ही उनसे ये जानेंगे क्या क्या कुछ हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर DSSSB के ऊपर। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट है और यहीं पे हम आ जाएं, विद्या मंत्र आज यहीं पे आया है, सच्चाई जानने क्या कुछ होने जा रहा है और आपकी हक की लड़ाई लड़ने और आपकी बात जानने। आप चाहते हैं कि आपको ऐसी न्यूज़ मिले तो आज ही आप हमारे चैनल विद्या मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ हमेशा मैं आपके हक के लिए लड़ता ही रहूँगा, क्योंकि ये चैनल का मेन मकसद है सिर्फ आपकी आवाज़ उठाना और इन आवाज़ों को इस हाई कोर्ट तक पहुँचाना, जिससे कि आपके साथ अन्याय ना हो, बहुत हुआ आपके साथ गलत, आपकी कोई भी बात नहीं दिखाता, मैं दिखा रहा हूँ आपकी बात को। और हमने कसम खा रखी है कि आने वाली जो वैकेंसीज़ है उसमें कम दिक्कत ना हो बच्चों के साथ, इसलिए DSSSB को वन डे वन पेपर लेना होगा जिससे कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। मेरे लिखने से थोड़ी बनता है। दोस्तों जैसे कि अभी कई सारी क्वेरीज हमारे सामने आ रही थी DSSSB को लेकर कि DSSSB आखिर क्या कुछ काम कर रही है, और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल सर जी के सामने, जो कि एक जाना माना चेहरा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के लिए है, न कि शिक्षा व्यवस्था बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे गरीब तबका हो, हर कोई इनसे मदद मांगने इनसे गुहार लगाने आता है। और कई बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि DSSSB की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि वो जो रिजल्ट बनाता है उसमें बच्चों को बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, वो रॉ मार्क्स नहीं दिखाता और इवन वो जो रिजल्ट तैयार करता है वो ऐसे करता है कि बच्ची के RTI का जवाब ही नहीं देता। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर अशोक अग्रवाल सर से। स्वागत सर आपका। शुक्रिया सर। पहले सर आप हमें ये बताइए सर कि आपने जो कंटेम्प्ट केस लगा रखा है सर इसका कब तक जजमेंट आ सकता है, कब तक नई वैकेंसी आ सकती है सर? अरे उसकी वजह से तो सारा प्रोसेस चल रहा है, आप देख रहे हो अभी भी आज भी एफिडेविट फाइल किया उन्होंने और कहा है कि हम 30 अप्रैल तक जो है 31 मई तक कंप्लीट कर देंगे प्रोसेस, और अभी बहुत सारे डोजियर्स ऑलरेडी भेज दिए डिपार्टमेंट को, तो और आने वाले वक्त में फिर नई वैकेंसी भी लाएंगे। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 के करीब वैकेंसी भेजी है जिसपे अभी कोर्ट ने उनसे कहा है कि भाई क्या ले रहे हो, तो लगता है कि महीने दो महीने के अंदर वो वैकेंसीज भी आ जाएंगे, तो प्रोसेस चलता है। तो सर ये सर वैकेंसी मतलब कि 2-3 महीने में आ जाएंगी 10,591? हाँ ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा DSSSB का, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन से इन्वाइट करेंगे, फिर प्रोसेस चलेगा। ये बात ठीक है, DSSSB बहुत सुस्त डिपार्टमेंट है और दो साल अगर ले लेता है एक टीचर के अपॉइंटमेंट में, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही खामियों से भरी हुई बात है जिसपे सरकार को सोचना चाहिए। मतलब ये एक तरफ तो वो कहते हैं कि बच्चों को टीचर चाहिए, दूसरी तरफ हाफ टीचर का अपॉइंटमेंट अगर 2 साल होगा तो बच्चा क्या इंतज़ार थोड़ी करेगा, तो ये सरकार को चाहिए, सरकार का डिपार्टमेंट है DSSSB बोर्ड। सर ये 10,591 वैकेंसी के अलावा सर आपने एक ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था कि DO में 35,000 वैकेंसी अभी भी खाली है, क्या सर टोटल वैकेंसी के लिए सीटें आएंगी या फिर 10,500 के लिए फिलहाल में आएंगी सर? नहीं देखिए ये जो 35,000 है ना इसमें प्रमोशनल पोस्टें भी हैं, लगभग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट का उसमें कम से कम 15,000 लोग प्रमोशन की वजह से मतलब परेशान है, तो उनका प्रमोशन रुका हुआ है, तो वो प्रमोशन हो जाएंगे तो वो फिल हो जाएंगी। इसके अलावा 6-7 हज़ार पोस्टें हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की हैं, MCDs की हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है। और दूसरा ये कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी 10,000 पोस्टों का प्रोसेस हुआ है और अभी 10,000 पोस्टें और जो जाएंगी उनका भी प्रोसेस आगे के लिए होगा, तो ये सारी मिलाकर लगभग 35,000 पोस्टें बनती हैं, जो हम चाहते हैं कि जब सेशन शुरू हो 1 अप्रैल को हर साल तो 0 वैकेंसी हो, जिससे सारे पोस्टें चाहे प्रमोशनल हो चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हो वो फिल हो, तो उसके लिए हाईकोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो रिजल्ट दिखा रहा है। सर ये 10,591 सर PRT TGT PGT की है, तीनों की है या सेपरेट TGT PGT की है सर? नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पोस्टें होंगी, मुझे लगता है कि इसमें सारी पोस्टें होंगी, मुझे लगता है।
अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट जो कि ओवर एज हो रहे हैं, उनकी एज लिमिट पार कर चुकी है जो क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, तो उनकी मांग है कि जो 10,500 क्या वैकेंसी है इन इसके अंदर उनकी एज को बढ़ाई जाए, क्योंकि उनको अटैम्प्ट बहुत कम मिले अपीयर होने के, क्योंकि वैकेंसी बहुत गैप में आती है सर, तो क्या कुछ इसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए, इसमें कोर्ट तो इंटरफेयर कर नहीं सकती है, क्योंकि ये तो एम्प्लॉयर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो डिसाइड करता है कि उसको कितने साल का जो है कैंडिडेट चाहिए। तो ये लोग रिप्रेजेंटेशन दे डिपार्टमेंट्स को, तो वो उनको कंसीडर करेंगे अगर उनको लगेगा कि भाई ये जेन्यून है, क्योंकि सिर्फ वो टीचर के इंटरेस्ट के लिए तो काम नहीं कर रहे ना, वो तो बच्चे के लिए इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ये देखेगा कि अगर हम उम्र बढ़ा भी दें तो वो बच्चे के एजुकेशन पे तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को समय समय पर जो है कंसीडर करना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पे इस टाइम के दिल्ली के अंदर लगभग 1100 प्लस डीओई के स्कूल्स चल रहे हैं, और सर जब भी डीएसएसबी एग्ज़ाम्स लेती है तो वो मल्टीपल शिफ्ट्स में लेती है एग्ज़ाम्स, जो कि सबसे बड़ी कमी आती है बच्चों के अंदर ये कि उनके मार्क्स को लेकर नॉर्मलाइज किया जाता है, और एक ही शिफ्ट के मार्क्स 15 बढ़ते हैं तो 10 घटते भी हैं, जिसका जवाब खुद डीएसएसबी नहीं दे पाती। इस वजह से मामला कैट कोर्ट में इवन हाई कोर्ट में भी आ रहा है। तो सर, बच्चे ये चाहते कि अब जो वैकेंसी आ रही है उसका एग्ज़ाम एक दिन में और एक शिफ्ट में हो, क्योंकि आगे से इस तरह की गलतियाँ डीएसएसबी की तौर से ना की जाए। तो सर, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल है, क्यों नहीं है। अगर एक वक्त में होता है और उससे हमारे कैंडिडेट्स को सेटिस्फेक्शन है तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। सर, बच्चे आपसे ये कहना चाहते हैं कि सर इस बार अशोक अग्रवाल सर इस बात की मांग कोर्ट में रखे कि वन डे वन सीट में पेपर हो हमारा, ताकि नॉर्मलाइजेशन की नाम की कोई चीज़ ही ना हो और बच्चों को इसे सहूलियत मिले, उनको ये लगे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो सर, ऐसा आप कुछ करेंगे? ऐसा करेंगे, हमें लिख के देंगे लोग, तो हम करेंगे। बच्चों की तरफ से मैं आपसे ये कहना हूँ, बच्चे ऐसा कुछ उनकी डिमांड है? नहीं तो अगर वो मुझको लिखेंगे तो मैं उसको एग्जामिन करके और इस तरीके का कर सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इतना से अगर लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ये पॉसिबल है। इवन कोर्ट इसमें इस तरीके के ऑर्डर पास कर सकते हो। सर, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं आरटी एक्ट का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, अभी बहुत सारे टीचर्स की पोस्ट खाली हैं, जिस पर केजरीवाल सरकार कुछ भी नहीं करती। उन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे कि हम 20,000 वैकेंसी निकालेंगे सत्ता में आएंगे, तो अभी उनके दावे मुझे खोखले नजर आते हैं, जो कि ग्राउंड पर बिल्कुल टीचर्स की बहुत सारा शॉर्टेज है। और मैटर यहाँ पर सर ये है कि एमजीडी में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर सरप्लस टीचर्स होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा इशू है कि जो एमजीडी सर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको पूरे बच्चे ले भी ना, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा होता जा रहा है। सर, नहीं देखिए, आरटीई की तो जरूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि जो बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, लेकिन वो बातें तो आरटी के बगैर भी हो सकती थी अगर सरकार चाहती तो। तो अब आरटीआई आया है तो उसको कोई, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम वही है कि जो ये सब स्कूल चलाते हैं सरकार, खासकर जो सरकारी स्कूल चलाते हैं, अगर उनमें विलिंगनेस नहीं है, उनमें खुद ही इच्छा नहीं है कि ये इन बच्चों को हमने एक अच्छी शिक्षा देनी है, तो ये प्रॉब्लम चाहे आरटीई आ जाए, चाहे और कुछ आ जाए, कानून आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ज़रूरत यही है कि जो सरकारें हैं ना वो ये सोचें कि हमें इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। अगर जिस दिन ये सोचने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि डेलिब्रेटली डिज़ाइंड है ये सिस्टम, जिसमें जो एक तरीके से स्कूल चला रहे हैं वो ये सोचते हैं कि क्योंकि ये जो बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं या जो बाहर खड़े हैं जिनको सरकारी स्कूल में आना है, वो सब बच्चे कमज़ोर वर्ग के लोगों के बच्चे हैं, तो उनको इनकी चिंता नहीं, उनके अपने बच्चे तो इन स्कूलों में जाते नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी जब तक ये जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये स्कूल रन करते हैं, जब तक वो इन पर नहीं सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर, मेन बात सर यहाँ पे ये आता है कि बच्चे डीएससी बोर्ड को बहुत सुस्त बोर्ड बताते हैं और बहुत कहते हैं डेली सबोर्डिनेट सिलेक्शन स्कैम बोर्ड भी इसको बच्चे कहते हैं, कहते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है इसका एग्जाम डीएसएसबी ना लेके सीबीएसई ले भी है और कोई संस्था ले, तो सर ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं, ये तो एक स्टेचुटरी बॉडी है, उसमें हमें कानून में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, और ये भी काम कर सकती है। देखो, कोई भी सरकारी महकमा है ना, ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर सकता, जब वो काम करने पे आता है तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। अभी कोर्ट की प्रेशर पड़ा है, चाहे उन्होंने टाइम लिया है लेकिन रिक्रूटमेंट किया है ना। अब उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये नज़र आ रही है, जो आज उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मिनिमम भी नहीं ले पाए, तो कई जगह तो 80-90% जो है ना वो पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट ही फिल नहीं हुई, तो अब वो वापस वैकेंसी जाएंगी, फिर नई वैकेंसी आएंगी, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। हमारे पास अच्छे कैंडिडेट्स
ये भी तो कमी है ना, मतलब कि बहुत से बच्चे मैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते, इसकी वैकेंसी वापस चली जाती है, तो इन पे बच्चों को गौर करना चाहिए। और सर मेन बात सर यहाँ पे ये है कि डीएसएसबी को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बनना चाहिए, उसको पूरे प्रोसेस को सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना अपने मार्क्स को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। तो सर बच्चे की यही गुहार है आपसे कि डीएसएसबी को आगामी वैकेंसी में बिल्कुल पारदर्शिता अपनानी होगी, जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, उनके रॉ मार्क्स दिखाने होंगे, उनका रिजल्ट दिखाना होगा, यहाँ तक उनको हर चीज़ सही से बताना होगा, उनके आईआईटी का जवाब देना होगा। सर ये आपसे बच्चे मांग करते हैं। नहीं देखिए, ट्रांसपेरेंसी का शब्द का मीनिंग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो अब आप कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी कौन सी होनी चाहिए? रिजल्ट मार्क्स को लेकर जब बच्चे को रॉ मार्क्स दिखाए, आप कोई ऐसे इशू उठाते हैं जो रियली जेन्युइन है, रीजनेबल है, और उसको आप ट्रांसपेरेंसी कहते हैं तो मैं समझ में आता हूँ। अगर कुछ और आप ऐसी चीज़ उठाते हैं जो इरेलीवेंट ही नहीं है, इरेलीवेंट है, जस्ट टू क्रिएट ए प्रेशर ऑन दी अथॉरिटी, तो हो सकता है वो ट्रांसपेरेंसी के अंदर आए नहीं। सर यहाँ पे बात सर ये थी ना कि जो एमसीडी पीआईटी के एग्जाम्स हुए या डीओई का हुआ, सर वहाँ पे ना एक शिफ्ट के बच्चे के मार्क्स, जैसे मार्क्स मेरा पेपर 30 तारीख को था, तो एक ही बच्चे के मार्क्स 20 बढ़ गए हैं और 10 घट गए हैं, तो ये कैसे हुआ, इस बात को डीएसएसबी क्लेरिफाई नहीं कर रहा है? नहीं तो इसीलिए तो लोग कोर्ट में गए हैं, अब कोर्ट इसको एग्जामिन कर रही है। आपको कोर्ट सर बच्चे कैट कोर्ट में गए, उन्हें हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं इस चीज के लिए। चाहे हाई कोर्ट मूव करे चाहे कोर्ट में जाए, जो कोर्ट एग्जामिन करेगी, अगर कुछ कई बार जेन्युइन ग्रीवेंस है, कई बार बिना जेन्युइन, अब कोई जो बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो कोई ना कोई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई इसलिए खराब है या इसलिए खराब है, दोबारा से एग्जामिनेशन करो, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना सर। यानी कि कहीं ना कहीं जिसको गलत लगता है वो कोर्ट जा सकता है? हाँ जाना चाहिए, जिसको भी या सबको, जिनको भी कोई ऑब्जेक्शन लगता है उनको कोर्ट जाना चाहिए, सो दैट अगर उनका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है ना, आप भी उनके साथ हो। अरे जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ है मैं क्यों नहीं उसके साथ हूँ, उसको रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो। दोस्तों ये थे हमारे साथ अशोक अग्रवाल सर, जिन्होंने की दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नतीजा आज है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी पूरे देश में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुकी है। इसी बात को जानने के लिए सर के पास आए थे, और आपको जो भी कमेंट्स क्वेरीज हो मुझे बताइए, मैं दोबारा आपके लिए अशोक अग्रवाल सर से मिलने आऊँगा और आपकी बात यहाँ पर आगे पहुँचाऊँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।